क्या है पापा? ये पापा तेरे लिए कैचअप लेके आए, क्योंकि तूने मैगी खाई है। कैचअप अभी तो मैगी भी नहीं खाई, आधी पड़ी जो उसके साथ। ये अपना ये किंडर जाए पकड़, देखा लड़कियों वाला कि लड़कों वाला है ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 12 बजे, क्योंकि आज रात की लाइट बंद थी। सुबह का जो काम हुआ बस वही हुआ है, कपड़े धोने थे, इनकी यूनिफॉर्म धोने वाली है, और एक दो मैंने बेडशीट धोनी थी, क्योंकि 2 दिन से ना बड़ा तूफान सा चला, ऐसे मेरे को बेडशीट थोड़ी गंदी गंदी लग रही है, तो मैं बोल रही हूँ कि चलो उनको चेंज कर देती हूँ। लेकिन लाइट ही नहीं आ रही। सुबह आई है कोई 5 मिनट के लिए लाइट आई है बस, उसके बाद लाइट नहीं आई है, तो कोई भी काम नहीं हो रहा, काम ऐसे रुका हुआ है। क्योंकि लाइट ऐसे लगता है जैसे लाइट ना हो तो लगता है कोई काम हो ही नहीं रहा है, लाइट के बिना सारे काम बंद है। पता नहीं क्या ऐसे लगता है, जैसे लाइट आदमी को पुश करती है काम करने के लिए। तो अभी वही मैं बेडशीटें चेंज करने लगी थी, तो मैंने बोला नहीं पहले मैं खाना बना लेती हूँ। आज टमाटर ख़त्म थे मेरे, तो मैं सुबह से सब्ज़ी वाले का वेट कर रही थी। अभी एक भैया आए, उससे मैंने टमाटर लिए। अभी मैं समझ नहीं आ रही कि दाल बनाओ, अगर दाल बनाती हूँ तो अभिनंदन नहीं खाता है, तो खुद भी दिल नहीं करता दाल खाने का। तो फिर लगी सोचने कि कढ़ी बनाती हूँ, फिर मैं क्या कढ़ी नहीं बनाऊँगी, देंगी, क्योंकि पापा को कल बुखार हो गया था, तो बोलते हैं कि बुखार में दही नहीं देना चाहिए, तो कढ़ी तो दही की बननी है, फिर वो भी कैंसिल कर दी। अब मैं आलू मटर की कढ़ी बनाने लगी हूँ। मैंने कहा चलो ये आलू मटर कढ़ी, क्योंकि मैंने थूम था लहसुन वगैरह डाल के ना वो कढ़ी बना रही हूँ। तो और ये रही जूली, जूली की सोने की पोजीशन देखी कैसे सोई हुई। आज सुबह से मैंने इसको दवाई दी है, और फुलके दही के साथ बीच में दवाई डाल के दी थी, तो खा लिया। लेकिन ये कि सुबह काम नहीं करने देती है, कोई झाड़ू नहीं लगाने देती। सुबह अभिनंदन स्कूल गया तब भी इसके पीछे, फिर इसको मैंने पिंकी को बोला, मैं पिंकी इसको पीछे बंद कर, जब इसको पीछे बंद करते हैं दरवाज़ा खुला होता है, फिर ये चिल्लाती है, पता नहीं क्या बात, बड़ा शोर डालती है। तो रात को आपने देखा होगा कि हम लोगों ने काम किया था, ये कनक वगैरह थोड़े की ये सेट, अभी दवाई लाएंगे अभिनंदन के पापा, फिर कोल उसमें ड्रम में डालनी है। लेकिन रात को बारिश आई थी बड़ी जबरदस्त, बादल इतने गरज रहे थे, फिर रात को ये पूरा पन्नी के साथ पूरा इसको कवर कर दिया कि कहीं बारिश के साथ भीग ना जाए, क्योंकि साल भर की मेहनत है, पूरा साल यही खाना है, क्योंकि पिछली बार हमारी कनक कम थी तो हमें बाजार से आटा लेना पड़ा। लेकिन मैंने बोली इस बार तो बिल्कुल नहीं करना, इस कनक थोड़ी ठीक हुई, अच्छी हुई है फसल, संभाल के रखनी है, पूरा साल यही खानी है। तो अभी दोपहर, अभी तो शाम को अपने पापा आएंगे, तो वो दवाई लाएंगे, तो फिर डालेंगे उसको ड्रम में। तो अभी उन्होंने अविनाश को भी इधर पड़ी है, फिर बाद में अविनाश भी उठा के ले जाएंगे, फिर वो भी संभाल लेंगे, या उन्होंने भी ड्रम में या जिसमें डालनी होगी डाल लेंगे। तो उसके बाद अभी फिर दोबारा फसल का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज भी मौसम जो है बारिश वाला नहीं, तो मई के महीने में इन दिनों इतनी गर्मी होती थी ना, कि फसल की जब कटाई होती थी ना, कनक की वो पीले पीले जो वो एकदम आँखों में चुभती थी। लेकिन इस बार है कि मई का महीना तो अप्रैल का महीना तो निकल गया ठीक था, अब मई का भी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी कि ठीक है, मौसम अच्छा है। आज मुझे लगता है शायद वो टीवी में बता रहे हैं बार बार तूफान के लिए कि बड़ा ज़बरदस्त तूफान आ रहा है। मैं बोली मालिक सब कुछ भगवान ठीक ठाक रखना, कोई ऐसा तूफान मत लाना, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा गरीब लोगों के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा दिहाड़ीदार लोगों के लिए। चलो भगवान है रक्षा करने के लिए, हम लोग थोड़ी कुछ कहते, वो तो भगवान ही करेगा जो करेगा, सबका वही ध्यान रखता है। तो अभी मैं सोच रही थी कि अब उधर सब्जी वाला आया था, तो ऐसे मम्मी के पास उधर खड़ी थी बात, ऐसे खड़े मैं खड़ी थी, मम्मी खड़ी थी और डुगू की मम्मी खड़े थे, हम लोग ऐसे खड़े बातें कर रहे थे। तो मम्मी पूछती क्या बना रही है, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, दाल नहीं खाता। तो सलाह करते करते अब आलू मटर की कढ़ी बना रही हूँ। तो 12 बज गए, कुछ 12:30 बजे मैं चावल कुकर में रखूँगी, कुकर में ही बनाने हैं, कुकर में रखूँगी चावल 12:30 बजे, क्योंकि वो 2 बिसल में तो बन जाते हैं गर्म गर्मी है। तो रोटी मैंने बना दी है पापा के लिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कपड़े प्रेस करने वाले हैं, वो रखे थे, कल दीदी आई थी, बड़ी दीदी आई थी, भैया आए थे, कल दीदी का जो फंक्शन हुआ था, दीदी ने हम लोग को सभी को कपड़े दिए, मुझे अभिनंदन को, अभिनंदन के पापा को, मम्मी डैडी के, दीदी के, भैया के, अविनाश, मतलब सभी के कपड़े लेके आई थी दीदी। तो हमने बोला कि आप रहने दो, क्या कि हमने फंक्शन किया तो हमने कपड़े दिए, आप भी ऊपर से दे रहे हो, तो फिर क्या हमारा देने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे आदमी। तो भैया बोलते नहीं, लाइट आ गई है, अभी मैं सबसे पहले मोटर लगा लेती हूँ, लाइट आ गई, सबसे पहले लाइट भगवान के घर ही लाइट थी। आज सुबह मैंने आपको पूजा नहीं दिखाई, वो लाइट बंद थी, तो सुबह नहा के मैंने जल्दी से पूजा कर दी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं। तो अभी मैं पहले मोटर लगाती हूँ, क्योंकि लाइट आ गई है। जी उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, देखो ये देखो, ये देखो कैसे सोई है,
जूली बहू कुछ जा, ये कैसे छोया गंदा, तू कैसे छोया मेरा गुगलू, कैसे छोया कैसे छोया, कैसे बेफिक्रा होके सोई हुई है, सोई हुई है। हाँ ये बच्चा कैसे देख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, कल नहाया था ना, कितना क्यूट क्यूट लग रहा है, हेलो कर रहा है, चलो हेलो कर दे, हेलो कर दे भी, हेलो कर दे भी, पापा को करती है मुझे नहीं करती है, हैं? अभी ना ऐसे ये इसके पांव देखो ना काले काले हो रहे हैं, कल नहलाया था, एक ना यूट्यूब पे एक उसने सॉरी उसमें अभिनंदन ने ना फ्लिपकार्ट पे पता नहीं किसमें देखा था कि एक मशीन आती है कि उसमें ना पता नहीं वो कैसे यूज करनी, वो तो जब मंगवाएगा पता चलेगा, उसके बीच में डॉगी का पाँव उसके बीच में डाल देना और ब्रश से वो अपने आप ही पता नहीं कुछ जहाँ कुछ सर्फ डालना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, वो मंगवाएंगे तो फिर पता चलेगा कि उससे ना डॉगी के पाँव जो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, जो काले काले हुए घूमती है ना घर में, तो उससे मिट्टी से इसके पाँव काले हो गए वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, अभी देखेंगे जब मंगवाएंगे तो पता चलेगा। कल इसको भैया ने नहलाया, ये चुंदी मुंदी उच जा, ये उच जा मेरा बच्चा, सो जा, ये देखो मैं इधर काम कर रही हूँ, ये देखो इधर किचन में आके सो गया, हाँ धो लो, आलू मटर मैंने डाले थे बिल्कुल गल गया, अभी इसमें मैं टमाटर डालती हूँ, अभी मैं पहले मोटर लगाऊं, मोटर लगा के ये अभिनंदन के पापा ने ना सुबह सुबह जब उठे ना तो अपनी जूली छत पे जाती है, तो जाते हैं ना जूली के लिए छत पे उसको छोड़ने, तो ये सुबह ना धनिया अपना जो छत पे लगाए हुआ ना धनिया, वहाँ ना सीढ़ी नहीं है जाने का रास्ता, यही चढ़ सकते हैं दीवार के ऊपर से, तो ये धनिया तोड़ के ना छोड़ गए थे, तो मैंने देखा है प्लेट रखा हुआ, मैंने कहा देखो इनको पता है सब्जी में डालना है, और ये ताज़ा धनिया घर का, और इतनी खुशबू आ रही है ना इसमें, तोड़ के रखा हुआ ना तो पूरे किचन में धनिया की स्मेल स्मेल इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अब मैं ये धनिया सब्जी में डालूंगी। क्या है पापा, ये पापा तेरे लिए केचप लेके आए, क्योंकि तूने मैगी खाई है, केचप अभी तो मैगी भी नहीं खाई आधी पड़ी हुई, उसके साथ खा ले अपना, ये किंडर जॉय पकड़ दे, खा लड़कियों वाला कि लड़कों वाला, ये ये ले देख पापा ने तेरे लिए व्हाइट बनियान भी लाई थी, इधर देख ये देख ले इतना, नहीं लड़कों वाला है क्या, इधर जो ऊपर ब्लू होता है वो लड़कों वाला होता है, वो देखो ये दो बनियान लाई है, तेरा केचप लाया है, केचप मैं पकड़ लेता हूं, नहीं नहीं ये कांच की बेटा टूट जाएगी, पता है मुझे भी कांच की, मैं नहीं खाऊंगा, चल अंदर, और ये उनका जसवी और उनका तेल, जसवी ने मंगवाया था ना, ये उन्हें वो बच्चा है इसके भी चला है, हमने भी और जा तू दूसरा एक हाथ, एक हाथ जी मछली 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 कुछ नहीं होता, तो वो करो ना अपना डांस, सुबह जाएंगे ना ये अजस्वी को देना, ठीक है, ये तेरा तेल नहीं है और तेरा नहीं है, मरे तू भी दे, तू ब्रेक लगा कर दी मेरे, ये तेरे लिए नहीं है जुली, कौन क्या लाया पापा ने तेरे लिए, ये कौन सी, ये क्या जेली है, नहीं टॉफी है, ये मुझे फेवरेट लगी, कौन सी वाली, ये वाली नहीं, ये वाली, ये दोनों, ये तेरा कौन सी खाओ, ये वाली खाओ तू, इतना सोच, ओ देख एक और चीज आई है भाई, उन्होंने अपने लिए लाई है, सुगाओ सुगाओ भी नहीं करते, बड़ी खुशबू, बड़ी खुशबू, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, सही बात है, हैंडी का हैंडी, जल्दी पहले हाथ धो लो अपने, बहुत ज्यादा आंखों बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, तूने खा लिया बिस्कुट, देख लिया ब्लॉग में
इसको बस बिस्कुट चाहिए और कुछ नहीं। ये हम लोग आसपुरा आए हुए हैं, ये हॉस्पिटल है आसपुरा का जो नई बिल्डिंग बनी है अभी। तो हम लोग ये रहा बाजार और यहाँ ये दीदी गई हुई बाथरूम। तो हम लोग यहाँ आसपुरा आए हुए कपड़े चेंज कराने के लिए, क्योंकि अभिनंदन का जो सूट लिया था ना उसमें ना बनियान में कुछ ब्लैक कलर था, और जो उसकी जो निक्कर थी वो बोल रहा था कि मम्मा मैंने नहीं पहननी, वो चेंज कराया। तो और अपने भी सूट मतलब कि वो ना थोड़े वो था तिल्ले वाले थे, तो ना वो थोड़े चुप मतलब वो चेंज करा के दूसरे लिए। और इन्होंने और डैडी की अब करवानी है बनियान चेंज, क्योंकि डैडी ना बनियान ही डाल सकता, तो उनके लिए हाँ वाजू कमीज लेनी है बटन वाली। तो उसके बाद फिर हमने घर जाना है। ये पतले हो गए हैं। कमीज नहीं कोई आ रही। हाँ इतनी कमीजियाँ पसंद ही नहीं आ रही इनको, ये पसंद आई है वो इनके साइज की नहीं है। ये कौन सा कलर है? ये बड़ा लाइट कलर है। चेक चेक में नहीं है ये? हाँ ये है। ये चेक कर जरूरत नहीं रहने किसी जरूरत नहीं पड़ता। कितना कितना है? डबल एक्सल? पहले वाला कौन सा था? एक्सल। होमवर्क हो गया? नहीं। कर रहे हैं मेरे बच्चे होमवर्क? हाँ जी। अंदर दो पैंट पैसे एक्स्ट्रा पड़ी वो कहाँ पे? बेटा वही होगी, मुझे नहीं पता। नहीं मुझे नहीं पता। दो पड़ी थी उधर। हम्म, बोल रहे दो पेन पेंसिल अंदर पड़ी थी वो कहाँ गई? अंदर होगी लिफाफे में होंगी। वो लिफाफा पड़ा उसमें देखा? लिफाफे में देखा आपने? नहीं है। पेन निकला? पेंसिल निकली? मुझे नहीं पता पेंसिल। और ये देखो, ए तेरे को नींद आई है? नहीं। इसको कैसे सोई है? है इसकी चारपाई लगानी थी ना, ये उस पे सो जाती। जूली ये बहू, ये बहू, यहाँ पे क्यों सोई है? क्यों सोई है यहाँ पे? ठीक है। चलो अंदर होमवर्क कर रहा है, इसके पापा कपड़े प्रेस कर रहे हैं। सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। खाना खुना खा लिया सभी ने, बर्तन साफ कर दिए, किचन का पूरा काम खत्म कर दिया। आज दूध कुछ ज्यादा ही है, दही जमाने वाला वो मैंने आज बड़े बर्तन में डाला है। तो यार यार ये वही कि बाजार जाओ ना थक जाता आदमी, और किचन में खड़े खड़े काम करना टांगे नहीं। एक बार बताओ नंदड़े, पहले ठीक था, चाहे चूल्हे पे खाना बनता था ना, बैठ के आराम से आदमी खाना बनाते थे। कैसे करना? गैस का जो सिस्टम आपने किया वो तो नीचे कर ही नहीं सकते हम। अच्छा नहीं, आप मुझे बोल रहे हो कि नीचे करो, तो नीचे कहाँ रखनी है गैस? नीचे कम जगह क्या? हाँ कम जगह, खड़े होने के बाद वास्तु जगह खत्म है तो कम हो जाएगा। पहले होता था चूल्हे पे खाना बना, आराम कमर को भी आराम मिलता था। अब खड़े खड़े टांगे दुखने लगती है, क्या करे थक जाते हैं। पूरा दिन बस चल चल के, अभी भी थोड़े से कपड़े थे पड़े हुए, मेरा सूट था अभिनंदन इनका पजामा था, और थोड़े से कपड़े और थे वो मैंने निकाल दिए। मैं कल मंगलवार है, आज ही दो देती हूँ। और बाजार गए थे तो थोड़े से कपड़े करने थे एक्सचेंज, वो किए चेंज करके लाए। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो ज़्यादा आप जो लोग देखते हैं तो वो लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और कल नई वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।